जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक अथवार इन्फॉर्म। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मेन हमारा जो टॉपिक होगा परसेंटेज का, जैसा कि मैंने आपको कल लाइव आकर के बताया भी था। तो दोस्तों, परसेंटेज पर अपन आज टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और दोस्तों, इस क्लास से मैं आपको दोस्तों हालांकि दोस्तों बोर्ड पर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपनी मेरी जो नोट्स है अग्निवीर की प्रीवियस ईयर में, जो जिससे मैंने आर्मी अग्निवीर एग्जाम क्वालिफाई किया था, वही नोट्स के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। तो दोस्तों, परसेंटेज के पूरे पूरे क्वेश्चन अपन यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम परसेंटेज का मैं आपको बता दूँ, आपको एक पेन कॉपी पकड़ के भी बैठ जाना है। तो दोस्तों, परसेंटेज में कुछ नहीं है, बस आपको दोस्तों परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, हिंदी मीनिंग होता है इसका। और दोस्तों, जिसका मतलब होता है बटे में सौ, ठीक है दोस्तों, बटे में सौ होता है। जैसे कि मान के चलिए ए परसेंट, ए परसेंट का क्या होगा, ए परसेंट का हो जाएगा आपका ए के बटे में सौ, ठीक है। मतलब ये ए परसेंट, तो ए परसेंट को हम लिख सकते हैं ए के बटे में सौ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वैसे ही हम यहाँ पर जो दोस्तों बहुत सारी संख्याएँ देखेंगे जो प्रतिशत को भिन्न में बदला जाएगा जिसके माध्यम से, ठीक है। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, मान के चलिए दोस्तों प्रतिशत कई प्रकार से होते हैं। प्रतिशत एक प्रतिशत भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, आपका 10% भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, प्रतिशत को दोस्तों कभी भी भिन्न में बदलना, अब भिन्न क्या होती है, तो भिन्न दोस्तों कोई भी भिन्न यानी होती है बटे वाली संख्या। मान के चलिए 1/2 क्या है, एक भिन्न है दोस्तों, है ना। वैसे ही दोस्तों, अगर से 5/2 की बात करें तो एक प्रकार के भिन्न है, इनको क्या बोलते हैं, इनको भिन्न बोलते हैं, या अपने पास नोट कर लेना, ठीक है, इनको बोलते हैं भिन्न, ठीक है। अब रही बात आ जाती है यहाँ पर दोस्तों कि प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत ये हो गया 20%, और 20% को हमें काय में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो अब भिन्न में बदलना है, तो दोस्तों कभी भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, मतलब दोस्तों बटे में सौ कर देते हैं। बटे में सौ कैसे करते हैं, जैसे ए परसेंट का क्या कर देते हैं, हमने ए बटे सौ कर देते हैं, वैसे ही हम 20% में से जो ये प्रतिशत हट जाएगा और उसके बटे में सौ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम आपस में काट पिट कर देते हैं, जैसे 20 का हो जाएगा 20/100, क्योंकि प्रतिशत का क्या आ गया, बटे में सौ आ गया दोस्तों, ठीक है। तो 20/100 हो गया ये, तो ये 20 का 20, 20 का 25, 100, 1/5 बार में कट गया। इसकी मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, या फिर आप साथों साथ नोट भी कर सकते हैं। थोड़ा आपको वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि माइक का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूं, बस आपको दोस्तों डिटेल से अच्छे तरीके से इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। और पहली क्लास है तो थोड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगी, ठीक है। वैसा ही दोस्तों, यहाँ पर हमारा दूसरा भी 100% को अगर से हम, ये प्रतिशत है 100%, इसको भिन्न में बदलना है, भिन्न मतलब बटे वाली संख्या में बदलना है। तो दोस्तों, प्रतिशत मतलब होता है बटे में 100, तो ये 100 के बटे में 100, मतलब 100 से 100 कट गया, 1 आ जाएगा। वैसे आपका 16 से ही 2/3 का क्या हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले ऐसी संख्या आती है, तो सबसे पहले हम ये जो 3 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 3 और 1 का LCM क्या हो गया, 3 हो गया, और 3 का गुना कर दिया हमने 16 में, तो 16 48 हो गया आपका, और ये 3 से 3 कट गया, बचा 1, 1 का गुना 2 में कर देंगे तो 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 48 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा, और ये 3 की 3, और 50/3% इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो हम दोस्तों 3 के साथ जो है 100 लगा देंगे, तो 300 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/300, मतलब आपका 50 का 50, 50 के 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका बटे में 100 का मतलब ये होता है। वैसा ही 120 को भी कर सकते हैं अपन, 120 ये परसेंटेज में है, इसको अगर से हम भिन्न में बदलेंगे तो 120/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, और ये आपका हो जाएगा 12/10, और इसको आपस में काट देंगे तो 2 6 के 12 और 2 5 का 10, तो ठीक है 6/5 हो गया। वैसा ही अगर से हम इधर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट बात हमारी, तो नेक्स्ट बात ये आ जाती है हमारी कि वैसा ही अगर से हम यहाँ पर, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा ये हिल गया है हमारा ये स्टैंड को मैं थोड़ा ठीक कर लूँ पहले, तो हाँ यहाँ पर ही हमारा स्टैंड भी ठीक हो गया। तो बात आ जाती है दोस्तों हमारी, कौन सी बात आ जाती है हमारी, कि अगर से वैसा ही अपन ने, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि अगर से अपन 120% को अगर से यहाँ पर प्रतिशत यानी इसमें बदलेंगे अपना किसमें, भिन्न में, तो उस बटे में 100 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका कितना, 6/5 हो जाएगा। वैसा ही दोस्तों, अगर से 116/2/3%, ये एक बड़ा हो जाता है दोस्तों संख्या, तो 116 को अपन काय में तोड़ देंगे, 100% + 16 से ही 2/3%, तो ये 100% का मान तो 1 हो जाता है, सभी लोग जानते हैं, और 16 से ही 2/3% का क्या हो जाएगा, ये 3 का गुना 16 में हो जाएगा, तो 16 48 ये प्लस का 2,
तो ये 50/3% और 50/3% मतलब परसेंट का मतलब बटे में 100, तो ये 3 के साथ 100 हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा। और ये 50 एक 50 और 50 छक्के कितना हो जाएगा आपका 300, तो 1 + 1/6 का मतलब होता है 7/6, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ठीक है, क्या में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, ये बात हो गई। अब अपन भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, मतलब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, मतलब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, मतलब इसका एक ही आपको ट्रिक याद करना है। हमने इससे पहले ट्रिक याद रखे थे प्रतिशत को भिन्न में बदलना का, क्या ट्रिक याद कर रखे थे कि हमने बटे में जो है 100 लगा दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो है अपन भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना कर देंगे हम 100 का। यानी उसमें हमने बटे में 100 लगाए थे, लेकिन इसमें हमको एक ही ट्रिक याद रखना है कि इसमें हमको गुना करना है 100 का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ जाती है प्रतिशत से भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत से भिन्न में बदलना इसका सिंपल सा फार्मूला है, किसी भी भिन्न में हम 100% का गुणा कर देंगे। तो भिन्न क्या होती है, मैंने आपको बता दिया है कि जो भी संख्या को हम बटे में ले सकते हैं वो भिन्न होती है। तो ये हो गई 1/2। अब 1/2 को हमको जो है ये भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे हम 1/2 इसमें गुना कर देंगे 100% का, क्योंकि हमने ट्रिक ही अपनाया है यहाँ पर कि जब भी अगर से हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना पड़ेगा तो हम बटे में 100 मानेंगे, और जब भी हमको भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो हम गुना में 100 कर देंगे। यानी पहले वाले ऑप्शन में जो है अगर से भिन्न में लाना है तो बटे में 100 कर देंगे, और प्रतिशत में लाना है तो गुना में 100% कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 में जो है हम गुना कर देंगे किसका, 100% का। तो हो जाएगा ये 100 का, 100% का गुना 1 में, तो 100/2 तो ये 50% हो जाएगा। वैसे 1/7 में हम 100% का गुना करेंगे, तो ये 100 का 100 और 7/7, तो ये इसको कट पिट कर देंगे, तो ये दोस्तों 14 से ही 2/7 बार में जाएगा। मतलब पहले 14 बार में पूरा कट जाएगा, फिर जो है 2 शेष बचेगा जिसमें हम भाग देंगे इसका 7 का, तो ये दशमलव में आएगा, इसलिए हमने इसे 2/7 लिख दिया। ठीक है, ये क्लास दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी भाई कम समय में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी, ये आपको मैं बता रहा हूँ इस क्लास के माध्यम से। तो दोस्तों अब बात आ जाती है कि 3/5, 3/5 को भी अपने को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलना है तो सीधी बात, हम 100 का गुना कर देंगे, तो 3/5 × 100% तो ये हो जाएगा 300/5। तो 300/5 मतलब 5 × 30, यानी 5 × 30 50% इसका आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर से 1 को अगर से हमें प्रतिशत में बदलना होगा तो 1 का मतलब उसके बटे में 1 होगा ही होगा, और गुना 100% कर देंगे तो 100% आ जाएगा। वैसा ही 1/5 आपका भिन्न होता है, इसे अगर से प्रतिशत में बदलना है तो 100% को गुना कर दो तो हो जाएगा 100/5, तो ये 5 × 2 = 10 दो बार में कटा, और ये 0 के 0 यानी 20%। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये हुआ दोस्तों। अब बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पर कि हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पर एक सवाल है, क्या सवाल है, 100 का 20%। तो 100 का 20%, तो कभी भी याद रखना का मतलब क्या होता है, गुना होता है, आपको ये बात याद रखना है। तो 100 का 20% मतलब 100 × 20/100, तो ये 100 से 100 कट गया, ये 20% आपका आ गया दोस्तों। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है आपका, क्या नेक्स्ट बात यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 500 का आपका 10% उसके बाद और उसका 10%। तो हमने अभी तक क्या सीखे हैं कि 10% का मतलब क्या होता है, बटे में 100। अभी 10% को हम सॉल्व कर दिए क्या, 10 के बटे में 100, और ये 10% का मतलब क्या होता है, 10 के बटे में 100, और काका मतलब हमने पहले ही सुन लिए है। काका मतलब क्या होता है, काका मतलब होता है गुना। तो 500 × 10/100 यानी काका मतलब गुना हो गया, और ये 10% का मतलब 10/100, फिर ये काका मतलब गुना हो गया, और ये 10% का मतलब 10/100। अब इसमें हम काट पिट करेंगे तो ये 0 से ये 0 कट गया दोस्तों, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, और ये बचे 2 0, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, और 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब ये 5 आपका आंसर आ गया, है ना, ये 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात आ जाती है हमारी इधर कि यदि अगर से हमको 500 का 10% का 20% निकालना है, तो मैंने आपको बता दिया है कि काका मतलब गुना होता है, और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। तो 500 × 10 और बटे परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बटे में 100 गुना काका मतलब हो गया गुना, और 20% का मतलब हो गया 20/100। तो ये आपका ये, इसको आप काट पिट करेंगे तो ये 2 0 से ये यहाँ के 2 0 कट गए, और यहाँ का 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब टोटल 5 × 10 ये आपका आंसर होगा।
इसके बाद दोस्तों कुछ प्रकार ऐसे भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके परसेंटेज में, जो कि आपकी इसको आप दोस्तों सेकेंड टाइप लिख सकते हैं। अपने पास में सेकेंड टाइप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि ये कर दी जाए या कमी, ये वृद्धि या कमी वाले सवाल है, ये आते ही आते हैं दोस्तों, वृद्धि या कमी वाले सवाल। तो किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दे, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी कर दे, तो आप इसे वृद्धि आ गया मतलब समझ लीजिए कि आपको प्लस के प्लस करना है, ये बात आपको याद रखना है, और कमी आ जाए तो आपको माइनस करना है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो 10% को हम सॉल्व करेंगे, तो 10% को आप जानते हैं कि परसेंट मतलब क्या होता है, बटे में सौ, तो 10 के बटे में सौ हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो आ गया 1/10, और ये मतलब 1/10 मतलब इसमें वृद्धि हो रही है, मतलब एक प्लस होगा मतलब 10 से ये 11 हो जाएगा, ठीक है, यानी वृद्धि होने पर 10 से 11 हो जाएगा। लेकिन कभी भी बात आ जाती है दोस्तों किसकी, बात अगर से आपकी आ जाती है यहाँ पर कमी की, तो आपको याद रखना है कमी में हमें कभी भी क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए 10% की कमी हो रही है, तो हम पहले परसेंट को सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/ और परसेंट का क्या हो जाएगा 100, तो 10/100 हो गया आपका, और ये जीरो से आपका जीरो कट गया तो 1/10, और आपकी हो रही है यहाँ पर कमी, यानी हम माइनस करेंगे तो ये 10 से 9 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम दोस्तों कुछ सवाल करेंगे, और दोस्तों एक बात और आपको बता दूँ यहाँ पर मैं आपको कि जिस भी संख्या के साथ जो है, यानी किसी भी संख्या के साथ का शब्द आए, या आप का को ब्रैकेट में ऑन बंद कर लेना है, कि किसी भी संख्या के साथ यदि का आए तो उसे बटे में लिखते हैं। जैसे मान के चलिए 200 400 का कितना प्रतिशत है, तो का किसके साथ आया, 400 के साथ आया, तो सीधी सी बात है, ऐसा कभी भी आता है तो सीधी सी बात है आप उस संख्या को बटे में लिख देना, मतलब 200 के बटे में 400 और गुना का 100, तो इसको आप काट पीट करेंगे तो 20 से 20 कट गया, बजा 200/4, तो 4 5 20, और ये 0 की 0 मतलब 50%, ये 50% आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये मैं आपको नोट के तौर पर बता रहा था। अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा जो कि आज के परसेंटेज के सवाल है, और दोस्तों इसके बाद क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो पहली बात आ जाती है कि यदि, पहला प्रश्न है आपका, इनको आपको सॉल्व करना है कि यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो वह संख्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि माना वह संख्या ए है, हम वो संख्या को क्या मान लेते हैं, माना वह संख्या क्या है, ए है, ठीक है। तो माना वह संख्या ए है, तो ए का 60%, तो ए का 60% प्रश्न में बोला है, और उसका भी जो है 3/5 भाग, तो उसका भी जो है का मतलब उसका भी 3/5 भाग क्या है, 36 है, तो वह संख्या हमको बताना है दोस्तों। तो ठीक है, हम बताते हैं, ए गुना 60% का मान क्या होता है दोस्तों, 60/100 गुना 3/5, ठीक है। तो अपन इसे काट पीट करेंगे तो ये जो है आपका कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट गया है ना, और आपका यहाँ पर क्या हो गया, फिर ये 36 की 36 बची है यहाँ पर आपकी। अब यहाँ पर ए गुना हो जाएगा आपका क्या, ए गुना हो जाएगा 6/10 गुना 3/5 बराबर 36 की 36, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसे हम कटपिट और कर देंगे, तो 3 × 6 × 6, ठीक है, आपका ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, और ये 2 × 5 = 10 में कट जाएगा, ठीक है आपका। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका क्या, यहाँ पर आ जाएगा आपका ए गुना 3/5 गुना 3/5, ठीक है दोस्तों, 3/5 गुना 3/5 आ गया आपका यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 से 0 काट दिए और 6/10 बचा, तो 2 × 6 = 2 × 5 = 10 कर दिए, 3/5 गुना 3/5 आ गया आपका यहाँ पर दोस्तों, और ये बराबर आपका आ गया 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, मैं इधर इसे लिख देता हूँ, ए गुना 3 × 3 = 9 हो गया ऊपर, और बचे 5 × 25 हो गया, और दोस्तों ये बराबर में 36 आपका है ही। अब दोस्तों सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर से हम ये संख्या को इधर पूरा ले जाएंगे, तो जो ऊपर की संख्या है जो नीचे में चली जाती है, और नीचे की संख्या ऊपर में चली जाती है, तो ये 36 गुना जो है ये 25 जो है ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो ये 9 × 6 = 36 हो गया, और ए बराबर 25 × 4 बराबर 25 × 6 = 100 आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। जो भी भाई अच्छे से देख रहे होंगे समझ में आएगा, और पहला दिन है तो थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना, पेन कॉपी से प्रॉब्लम होती है, अगर से आपका सपोर्ट रहा तो एक दिन डिजिटल बोर्ड तक का भी सफ़र तय करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि एन का 35% 700 का 42.5%, तो एन का मान बताओ, तो सीधी सी बात है, यानी हमें बोला है कि एन का 35% बराबर 700 का 42.5
5%, तो n का मान बताना है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, हम यहाँ कर लेंगे n गुना 35% का मान क्या होता है, 35/100 और बराबर 700 की 700 गुना आपका 42.5 की 5 और 100। ठीक है दोस्तों, तो अब सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका 100 से 100 कट जाएगा और ये n बराबर हो जाए, n गुना हो जाएगा आपका 35 बराबर 700 गुना 42.5। तो याद रखना दोस्तों, ये 35 दुनी 70, ये दो बार में कट जाएगा इससे, तो आपका हो जाएगा n बराबर 2 गुना 42.5 और आप जानते हैं दशमलव का होता है मतलब बटे में 100, मतलब यह हो जाएगा दोस्तों आपका n बराबर 2 गुना 42.5 और बटे में हो जाएगा आपका 10। और ये इसके बाद क्या कर लेंगे दोस्तों आपका, इसके बाद आपका सीधा सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये आपका जो यहाँ पर 0 बचा था, ये 0 बचा है आपका, तो हम यहाँ पर दोस्तों गुना कर देंगे, तो यहाँ पर गुना कर देंगे तो ये आपका 0 से, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये 20 हो गया, तो ये 0 से 0 कट गया और इधर में आपका हो जाएगा 2 गुनी 425, मतलब हो जाएगा 850। ठीक है, 850 आपका आंसर होगा, मतलब कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर, बस इनके बराबर इन संख्याओं को लिखे हैं और ये आंसर ला लिए हैं, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करते रहना है और जो पहले मैंने आपको बताया है उस चीज़ को आपको अच्छे से लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, इसके बाद अपन 5 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने बेसिक समझे दोस्तों, और बेसिक के बाद हम जो है थोड़ा सा जो है उसके क्वेश्चन उन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जो है 180 के 12.5 का ई परसेंट 72 है, तो ई का मान बताओ। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे 180 का क्या क्या बोला गया आपको, 12.5 का ई परसेंट, ई परसेंट का मतलब होता है ई बटे में 100, कितना है 72 है, तो जो है ई का मान हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, तो सभी को बता दूँ मैं आपको, सबसे पहले तो आपका ये 180 की हम 180 लिखेंगे गुना 12/5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 125 हो जाएगा और दशमलव बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा दोस्तों, गुना ई का ई बटे 100 का 100 बराबर ये 72 की 72। तो दोस्तों यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट गया आपका, यहाँ पर बच गया दोस्तों आपका 18 गुना ये बच गया यहाँ पर 125 और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ गुना ई बटे 100 हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये बराबर 72 की 72 है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 18 गुना आपका ये 25 5 125 होता है और 25 6 के 100 होता है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5 गुना ई बटे 4 बराबर 72 दोस्तों। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 9 18, तो आ जाएगा यहाँ पर आपको दोस्तों 9 गुणित 5 गुणित ई बटे 2। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद सीधा सा है दोस्तों आपका, यहाँ पर जो है हम इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, तो इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, तो ये यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कि यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों ये जो है ई की ई, और दोस्तों ये जो नीचे भाग में है, ये जो आपकी संख्या ये नीचे भाग में आपको दिखाई दे रही होंगी, ये इधर गुना में हो जाएगी चाके, तो ये हो जाएगा ई बराबर 72 गुना 2 और ये जो दोस्तों गुना में थी संख्या ये नीचे भाग में आ जाएगी, तो 9 गुणित 5, तो दोस्तों ये हो जाएगा 9 8 72। ठीक है दोस्तों, तो 8 दूनी 16 बटे दोस्तों आपका हो जाएगा कितना, 8 दूनी 16 और बटे आपका 5, मतलब दोस्तों ये आपका 16/5 कुछ ऐसा, तो यहाँ पर आपका दोस्तों 16/5 के आसपास आपका आंसर आएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि 120 के 30% के 20% का मान बताओ। ठीक है दोस्तों, तो रुकिए मैं इस सवाल को इस पेज पर ले लेता हूँ, 120 के 30% का 20% हमें निकालना है दोस्तों। तो सीधी सी बात है, 120 का 30% क्या होता है, 30/100 गुना 20% क्या होता है, 20/100। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसे हम काट पिट कर लेंगे, तो ये दोस्तों ये आपका कट जाएगा 20 का 20 20 5 100 और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा फिर 120 गुना 30/100 गुना 1/5। ठीक है दोस्तों, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से आपका 0 कट गया और दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 का 12 12 2 24 36/5 और दोस्तों यहाँ पर इसे अपन काट दे तो दोस्तों ये 7.2 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो टोटल हमारे यहाँ पर आज हमने 5 क्वेश्चन किए और इनका मैं दोस्तों नोट्स बनाकर आपको डाल भी दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, तो दोस्तों आप उससे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसका दोस्तों PDF मिल जाएगा और दोस्तों आप इजीली जो है इसके PDF से भी नोट्स बना सकते हो। और दोस्तों पहली बार क्लास थी, क्योंकि दोस्तों हमारा काम आज लेट
लेट्स लर्न का था। लेट्स लर्न मतलब दोस्तों हमने पहले खुद सीखा, यानी मैंने खुद सीखा, उसके बाद आपको सिखाने की पूरी कोशिश की है। और मुझसे कोई गलती हुई होंगी, अगर से कोई क्वेश्चन में अगर से आपको डाउट होगा तो कमेंट में बता देना, उसमें हम सुधार करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों रही बात अगर से आप अगर से इस क्लास को फिर से अगर से देखते तो आपका डाउट क्लियर होगा, मुझे पूरा पूरा यकीन है। और दोस्तों पहली बात अगर से दोस्तों आज की क्लास थोड़ी छोटी हुई है, इस जो है चैप्टर को हम जल्द से जल्द तो 2 से 3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों आपको दोस्तों जो मैंने बताया है राम सिंह यादव की जो प्रैक्टिस सेट की बुक है उससे प्रैक्टिस करते रहना है, और ये हमारे साथ में इन क्वेश्चनों को भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।